हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, सरकार की तरफ से बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है और जो एडमिशन है वो कल से स्टार्ट है, यानी कि 19/6/2021 से लेकर जो लास्ट डेट है वो 28/6/2021 तक है। आप 28 तारीख तक एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले क्या होता था, इंटर में एडमिशन करवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, मैट्रिक का मार्कशीट लगता था, लेकिन अभी जो है जो नई गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से, इसमें आपको मैट्रिक का मार्कशीट नहीं लगेगा, इसमें आपको सिर्फ रोल कोड भरना है और रोल नंबर भरना है और इसी से आपका पूरा मैट्रिक का मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, और यहाँ पर ध्यान रहे, एक ही ईमेल आईडी से, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से आप सिर्फ एक ही कैंडिडेट का एडमिशन करा सकते हैं। एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से दो कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और अगर आपके पास पहचान पत्र या आधार कार्ड है तो आप लोग दे सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आप इस फॉर्म को फिल कहाँ जाकर करेंगे, तो आप वसुधा केंद्र में भी जाकर फिल कर सकते हैं और DRC या साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जब आप वसुधा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो तरीके का फॉर्म मिलेगा, दो तरह का, एक फॉर्म नंबर 5 और दूसरा है फॉर्म नंबर 6। जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं ना, वो सिर्फ फॉर्म नंबर 5 को ही फिल करेंगे, और जो CBSE या अनदर बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म नंबर 6 को फिल करेंगे, तो ये ध्यान देना है। वसुधा केंद्र में कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से स्टूडेंट्स जाकर फिल कर सकते हैं, बिहार बोर्ड और CBSE, कोई भी स्टूडेंट जाकर फिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर 5 और 6 वसुधा केंद्र में भरा जाएगा, और DRC जो है यानी कि साइबर कैफ़े में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको दो तरीके का फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म नंबर 7 और एक फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 7 वो स्टूडेंट भरेंगे जो बिहार बोर्ड से हैं, जो क्या है, बिहार बोर्ड से हैं, और फॉर्म नंबर 8 वो स्टूडेंट भरेंगे जो CBSE या ICSE या अनदर बोर्ड से हैं, तो वो फॉर्म नंबर 8 को फिल करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना कि अगर आप वसुधा केंद्र में जाते हैं तो फॉर्म नंबर 5 और 6, और DRC या साइबर कैफ़े में जाते हैं तो फॉर्म नंबर 7 और 8 को भरेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे झंझट से मैं बच जाऊं, या फिर इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं नहीं जा पा रहा हूं वसुधा केंद्र या DRC या साइबर कैफ़े में, तो आप खुद से भी, आप अपने मोबाइल से भी आप अपने आप को एडमिशन करा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। तो आप क्या करेंगे खुद से एडमिशन करने के लिए, आज तो हर किसी के पास मोबाइल रह रहा है, ठीक है, तो आप खुद से एडमिशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट है OFSSBihar.in जाकर उसको खोलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, और उसके बाद से आपको CAF पर क्लिक करना है, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको चेक बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेना है। चेक बॉक्स को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद आपको आएगा फॉर्म फिल करने को, ठीक है। अब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैं बताई हूँ, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप उस फॉर्म में फिल कर देना है। अपने नाम की जगह नाम डालना है, पिता के नाम की जगह पिता का नाम डालना है, माता के नाम की जगह माता का नाम डालना है। सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद आपको मिलेगा कॉलेज चुनने का ऑप्शन, और आप अपने मन से कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं। आपको जो कॉलेज अच्छा लग रहा है उसको पहले लिख लीजिए, पहले ले लीजिए, उसके बाद जो देखिए 10, और जो आप मिनिमम है ना, मिनिमम कॉलेज 10 चुन सकते हैं, मिनिमम 10 कॉलेज चुन सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 20 कॉलेज चुन सकते हैं। तो आप अपने मन से जो नज़दीक कॉलेज है ना उसको चुन लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको आएगा दो ऑप्शन, एक मॉडिफाई का और एक कंफर्म का। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आप मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, मॉडिफाई का ऑप्शन चुनिएगा। इससे क्या होगा, जब आप मॉडिफाई का ऑप्शन चुनेंगे ना, तो आप जो भी फॉर्म फिल किए हैं वो आप प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं कि स्पेलिंग गलत तो नहीं है, तो और अगर आप डायरेक्ट कंफर्म कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा और डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा। तो आप वहाँ पर मॉडिफाई कीजिएगा, मॉडिफाई करने से ये फ़ायदा होगा कि आप देख सकते हैं दोबारा कि आप जो फॉर्म फिल किए हैं वो अच्छा से फिल हुआ है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर बात आती है पेमेंट का। अब कोई भी काम तो
फ्री में होता नहीं है, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप वसुधा केंद्र या DRC में भी जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता, वहाँ पर 50-100 एक्स्ट्रा ही पैसा ले लेते हैं लोग, क्योंकि उन लोगों का खुद का सेंटर है ना, इसीलिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ई चालान से, डेबिट कार्ड या फिर UPI से, किसी भी माध्यम से आप अपने पैसे को पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको कितना पैसा पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर 350 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। और 350 क्यों, क्योंकि 200 रुपये जो है वो कॉलेज फ़ी है और 150 रुपये जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है। इन दोनों को मिलाकर 350 रुपये हो रहा है और आपको ये पेमेंट करना होगा 350 रुपये। और उसके बाद आपका जाकर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दी कि आप लोगों को कैसे आप लोगों को एडमिशन को करना होगा, आप कैसे एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा प्रोसेस को बताऊं स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ किस तरह आपको OFSSBihar.in पर जाना है, कैसे CF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है, चेकबॉक्स को एक्सेप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर बताइएगा, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप कर समझा दूँगी, ठीक है। और एक बार ज़रूर कर देखिएगा, ये तो छोटी सी चीज़ें कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।